नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग एक, और उसमें गद्यखंड जो है उसके पहले अध्याय का, जिसका नाम है नमक का दरोगा, लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। कल हमने पढ़ा था कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वंशीधर हैं, वो पंडित अलोपदीन की किसी बात में नहीं आता। पंडित अलोपदीन द्वारा जो है धन का लालच दिया जाता है, लेकिन वंशीधर जो है किसी प्रकार से उसकी बात को नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, और अपना जो कर्मचारी था, यानी कि जो मातहत कह सकते हैं, जो जमादार था, तो उसको पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। लेकिन बदलू सिंह है जो कि जमादार था, तो वह भी झिझकता है कि एक इतने बड़े आदमी को किस प्रकार से वह हथकड़ी पहनाई। लेकिन पंडित बंसीधर जो हैं, यानी कि जो बंसीधर मुंशी बंसीधर हैं, वह पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। और जब वह बदलू सिंह हैं, यानी कि जो जमादार था, वह आगे नहीं बढ़ता, तो क्रोध में आकर कहते हैं कि तुम इसे गिरफ्तार करो। तो बदलू सिंह मन ही मन कहते हैं कि कहाँ ये फंसा दिया कि पैसे लेके इसको छोड़ दिया जाता तो धन कुछ आ जाता है ना। उसके मन में भी ऐसे विचार आ रहे थे। लेकिन जो बंसीधर है वो अपने ईमान से डिगता नहीं है। पंडित अलोपदीन द्वारा उसे रुपए देने की पेशकश की जाती है, पहले 1,000, फिर 5,000, फिर 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जो संख्या है रुपए की वो 40,000 तक पहुंच जाती है। लेकिन बंसीधर कहता है कि मुझे 40 लाख भी अगर दे दो ना, तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने अपराध किया है। और पंडित अलोपदीन को हिरासत में लेने के लिए कहते हैं। और जब हिरासत में लेने के लिए बदलू सिंह जो कि जमादार था वह आता है, तो ऐसा देखकर जो अलोपदीन है वो अत्यंत निराश हो जाता है, कातर दृष्टि से इधर उधर देखने लगता है और एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यहाँ तक हमने भाग एक में पढ़ा था, और आगे का जो भाग है वो हम पढ़ रहे हैं कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। अब दुनिया तो सोती है लेकिन उसकी जो जीव है जाग रही है, यानी कि कोई ना कोई तो देख ही रहा था, तो हर कोई बातें कर रहे हैं। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुँह में से बस यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बुछारें हो रही थी, मानव संसार से पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रही थी। गर्दनें चलाना मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे वो। जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाई अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। अब देखिए, जब मुंशी बंसीधर द्वारा पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके बाद में हर कोई जो है पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी करने में लग जाता है। अब देखते हैं ना कि पीठ पीछे तो हर कोई बात करता है, लेकिन सामने आके किसी की हिम्मत नहीं होती बात करने की। तो इसी कारण से पंडित जी को जब पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो हर कोई जो है उन पर टीका टिप्पणी कर रहा है और निंदा की बौछार कर रहा है, चाहे वो पानी को दूध के नाम पे बेचने वाला ग्वाला ही क्यों ना हो, कल्पित रोज नाम से भरने वाला अधिकारी वर्ग क्यों ना हो, और रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग क्यों ना हो, यानी कि जो भी हर प्रकार से बेईमानी करते हैं वे अब देवताओं की भांति गर्दने चला रही हैं। अर्थात वे कह रहे कि जो पंडित जी ने किया वो गलत था। जब दूसरे दिन पंडित जी अभियुक्त होकर, जो पंडित अलोपदीन ना उनको अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं उन्होंने, और उनके मन में ग्लानी है, क्षोभ भरा हुआ है, और लज्जा से अपनी गर्दन झुकाई हुई अदालत की तरफ चले,
तो सारे शहर में हलचल मच गई। देखिए कितना अधिक अमीर जो, यानी कि शहर का जो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, वह आज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अब जिस प्रकार से मेले में भी कदाचित इतनी आंखें व्यग्र नहीं रहती किसी को देखने के लिए, जितनी कि पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए हर कोई लालायित हो रहा था, और भीड़ के मारे जो छत और दीवार है उसमें कोई भेद न रहा। अब भीड़ के मारे यानी कि इतनी अधिक भीड़ होगी रास्ते में जहाँ से पंडित अलोपीदीन को लेकर जाया जा रहा था, तो आसपास जो इतनी भीड़ थी कि जो दीवारें हैं लोग उन पर भी चढ़े हुए थे, और छत जो हैं उनके ऊपर भी लोग खड़े हुए थे उनको देखने के लिए। तो इस प्रकार से उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं दिख रहा था, किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध इनकी अत्यंत जो ये वन माना गया है, क्योंकि हर प्रकार से हर कोई जो है अधिकारी वर्ग हो चाहे कर्मचारी वर्ग हो चाहे वकील हो, ये सभी इनके आज्ञा पालक थे, भक्त थे। तो इस वन के शेर थे ये, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक। अमले मतलब जो वहाँ कर्मचारी वगैरह रहते हैं, जो पहरेदार वगैरह रहते हैं, वे सभी इनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, यानी कि बिना माल के, यानी कि उन्होंने उनको चाहे कुछ नहीं दिया लेकिन फिर भी वो गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे। अब विस्मित मतलब अचंभित हो रहे थे कि किस प्रकार से यह व्यक्ति जो है कानून के पंजे में फंस गया। इसलिए नहीं कि आलोपीदी ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आई। अब देखिए हर कोई विस्मित हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है उनका भक्त था, तो हर कोई सोच रहे हैं कि किस प्रकार से कानून के पंजे में फंस गई। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आई। अब देखिए हर कोई सोच रहा था कि असाध्य साधन जो असाध्य है, जिसको साधा नहीं जा सकता, ऐसा साधन जिसके पास में है अर्थात धन है और अनन्य वाचालता चालाकी भी है, तो वह कानून के पंजे में कैसे आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। अब शीघ्रता से यह जो आक्रमण है उसको रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब देखिए यहाँ भी धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन चल रहा है। पहले हमने देखा था कि जो यमुना किनारे भी धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया था, और वहाँ पे धर्म की विजय हुई थी। लेकिन अब देखते हैं जो न्याय के क्षेत्र में, यानी कि न्याय का जो परिसर था वहाँ पे किसकी विजय होती है, धर्म की या धन की। तो दोनों में ही युद्ध ठन गए। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। अब बंसीधर जो मुंशी जिन्होंने पकड़ा था अलोपीदीन को, उनके पास सत्य के सिवाय न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। अब देखिए इनके पास में कोई गवाह वगैरह भी नहीं था ऐसा, बल्कि वो उनके पास में सत्यता थी और स्पष्ट भाषण के अलावा और कोई शस्त्र नहीं था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। अब जो गवाह थे ना जिनके सामने इन्होंने अलोपीदीन को पकड़ा था, वे भी लोभ के कारण से डावाडोल हो गए थे, यानी कि अपने जो बयान है वो बदल रहे थे। वो यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। अब मुंशी जी को ऐसे लग रहा था कि जैसे कि न्याय जो है उनसे दूर होता जा रहा है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। अब देखिए कैसी एक गूढ़ जो बात है वो लेखक ने कही है इसमें, कि द्वार तो ये न्याय का था लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो पक्षपात के नशे में थे। अब पक्षपात कैसे, कि सही और गलत की उनको कोई मतलब नहीं है। जो उनको कुछ देता है, धन देता है या किसी प्रकार से भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो वो उसी का पक्ष लेते हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा दोषी क्यों नहीं हो। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। अब देखिए प्रश्न कह रहा है लेखक, इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल हो सकता है। जहाँ पक्षपात है वहाँ न्याय नहीं हो सकता, और जहाँ न्याय है वहाँ पक्षपात नहीं हो सकता। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ यानी कि जो आदेश वगैरह लिखे ना उन्होंने, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं।
अब भ्रम पैदा करने वाले और निर्मूल हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है जो पंडित ओलोपी दीन के विरुद्ध प्रमाण दिए गए हैं, इनमें कोई वास्तविकता तो है ही नहीं। वह एक बड़े बड़े भारी आदमी हैं, यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। अब देखिए, कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि थोड़े से साहस के लिए, यानी कि थोड़े से लाभ के लिए उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया होगा कि नमक जैसी जो वस्तु है उसको चुराने की कोशिश की होगी। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। अब देखिए, यहाँ पे धर्म की विजय नहीं हुई बल्कि धन की विजय हुई है, कि धन के बल पर पंडित ओलोपी दीन ने हर किसी को खरीद रखा था, तो जिसके कारण से यहाँ पे जो मुंशी बंशीधर थे तो उनके जो कार्य था उसको दंडता और विचारहीनता का मूल बता दिया, और जो दोषी था उसे एक भला मानुष कह दिया। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक लाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अब देखिए, आरोप जो है जो सही है ना, उसी पे आरोप लग रहे हैं। जो दोषी है वो तो निर्दोष सिद्ध हो चुका है, भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अब मुंशी बंशीधर कोई कहा जा रहा है कि नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अब मुंशी बंशीधर की विवेक और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ऐसा कहा गया है, और कहा गया कि भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। किसे? मुंशी बंशीधर को। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित ओलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधवों ने रुपयों की लूट की, और रुपये जो है ना ऊपर से बिखेरे गए उनके। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। अब देखिए, पहले कहाँ ओलोपी दीन पर जो हैं प्रहार किए जा रहे थे, उनकी निंदा की जा रही थी, लेकिन जब पंडित ओलोपी दीन के पक्ष में फैसला आ गया और बंसीधर जो है वे अपने उन्हें घुड़कियाँ सुननी पड़ी, तो जब वे बाहर निकले अदालत से तो चारों ओर से व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु उस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौके एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। अब देखिए, मुंशी बंसीधर जो है, जिन्होंने देख लिया कि अदालत के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सच्चाई, जो न्याय है उसका पक्ष लेता हो, बल्कि सभी पक्षपातपूर्ण आचरण करते हैं, तो उन्होंने अनुभव किया कि जो न्याय और विद्वता है, लंबी चौड़ी उपाधियाँ हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, जो ढीले जोगे पहन रखे, वे कोई भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी कि यहाँ पर पक्षपातपूर्ण जो आचरण है, व्यवहार है, वो हो रहा है। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब देखिए, बंसीधर के साथ में क्या घटित होने वाला है आगे, कि उसने धन से बैर मोल ले लिया था, दुश्मनी ले ली थी उसने, लेकिन उसका वो मूल्य भी तो चुकाना ही पड़ेगा उसको। तो देखिए क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा, कार्यपरायणता का दंड मिला। अब मुअत्तली मतलब कि उनको वहाँ से हटा दिया गया, तो कर्तव्य कार्यपरायणता का ऐसा दंड मिला उनको। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। अब बेचारे भग्न हृदय हैं, दुखी हृदय से, शोक में और खेद से व्यथित होकर घर की ओर चल पड़े हैं, और घर पे जाने के बाद में देखिए कैसी स्थिति होती है। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही इसे कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। और देखिए, मुंशी जी जो थे, बूढ़े मुंशी जी जो है इनकी, बंसीधर के पिता, उन्होंने समझाया ना था ना कि जो वेतन है वो तो पूर्णमासी के चांद के समान है, और ऊपरी आय जो बहता हुआ झरना है। तो इस प्रकार से यानी कि काफ़ी उनको शिक्षाएं दी थी। अब वे कुड़बुड़ा रहे हैं बड़े मुंशी जी कि लड़के को काफ़ी समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी है, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है, और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसे बताया कि हर कोई जो है
वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करता है और मुंशी बंसीधर ने ईमानदारी दिखाई तो उस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। देखिए किस प्रकार से इनको ताने दिए जा रहे हैं। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब एकार्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। अब जब वो तो पहले से ही मन में कुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन जब सुना कि वो वापस आ रहे हैं, मुंशी बंसीधर जो है वहाँ से हटा दिया गया उनको, तो सिर पीट लिया, अर्थात वे अत्यंत दुखी हुए। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं और यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। अब जब बंसीधर घर पर आते ना तो बड़े मुंशी जी का बहुत जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है और न जाने क्या क्या जो बातें हैं क्रोध में वो कह देते हैं। लेकिन अगर बंसीधर वहाँ से नहीं हटते तो यह जो क्रोध है विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। अब देखिए जब घर का पुत्र जो है नौकरी में लग गया है, सरकारी नौकरी में चला गया है, वो भी नमक विभाग में, तो हर किसी की आशाएँ थी। जो बूढ़ी माँ है वो सोच रही थी कि जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं करेंगे, लेकिन वो सारी कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी तो ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह से बात भी नहीं की। अब देखिए कैसी स्थिति हो गई है। एक तरफ तो ईमानदारी से उन्होंने अपना कार्य किया और ईमानदारी का उनको परिणाम मिला कि उनको नौकरी से हटा दिया गया, और घर में भी उनसे कोई बात करने वाला नहीं है ढंग से की बात करे, हर कोई जो उनको ही उलाहना दे रहा है। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। अब देखिए एक जो रथ है उनके घर के पास में आकर रुकता है संध्या के समय, जो कि हर प्रकार से सजा हुआ है और बढ़िया नस्ल के जो बैल हैं, पछहिया जिसको कहते हैं, तो पछहिया नस्ल के जो बैल हैं वो जुड़े हुए हैं रथ के साथ में, और उनमें नीले रंग के धागे बंधे हुए हैं, सींग जो पीतल से जड़े हुए हैं, और साथ में जो नौकर हैं वो लाठियाँ कंधों पर रखे हुए साथ में हैं। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, अगवानी मतलब आगे स्वागत करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। अब वो जो पंडित अलोपीदीन जिनको गिरफ्तार किया था मुंशी बंसीधर ने, अब वे उनके घर पर आ गए हैं। तो बड़े मुंशी जी उनकी अगुवाई करते हैं और झुककर दंडवत भी करते हैं, दंडवत करते प्रणाम करते हैं। तो देखिए आगे क्या स्थिति होने वाली है, अब क्या होगा आगे, तो आगे पढ़ते हैं हम। लल्लो चुप्पो की बातें करने लगे, हमारा भाग्य उदय हुआ। अब देखिए इधर उधर की बातें करने लग गए कि कहीं वो अलोपीदीन के मन में अभी भी कोई ऐसी कड़वाहट ना हो कि कुछ हमारा बुरा कर दें, तो इधर उधर की मीठी मीठी बातें करने लगे बूढ़े मुंशी जी जो हैं, और वो कहने लगे कि हमारा भाग्योदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आई। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावे, मुँह में तो कालिख लगी हुई है। अब देखिए कालिख कैसे लगी हुई है, अब क्योंकि उनके पुत्र ने मुंशी बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया था, इस कारण से वो अपने आप को अभाग्य मान रही हैं और कहते हैं कि कौन से मुँह से आपसे बात करें, कौन सा मुँह दिखाएं, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। अब देखिए अपने पुत्र को अभागा भाग्य बता रहे हैं, कुपुत्र बता रहे हैं अपने पुत्र को, जो कि ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाला था, तो कहते हैं कि क्यों मुँह छिपाना पड़ता अगर ऐसा पुत्र नहीं होता, ऐसा अभागा पुत्र नहीं होता तो। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ने दिया। अब देखिए अपने आप अपनी संतान को ही कह रहे हैं, अपनी संतान के बारे में, निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दी जिससे कि समाज में नाम खराब हो। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। अब देखिए जवाब में क्या उत्तर आ रहा है, अलोपीदीन क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले, संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। अब देखिए कितनी अच्छी बात जो है पंडित अलोपीदीन के माध्यम से लेखक ने कही है कि अलोपीदीन ने वात्सल्य यानी कि छोटे बच्चों के प्रति जैसा प्रेम होता है, उस स्वर में कहा कि वो तो कुल का तिलक है, पुरुषों की कीर्ति को उज्ज्वल करने वाला है, संसार में ऐसे जो लोग हैं ना बहुत कम होते हैं जो धर्मपरायण होते हैं,
और जो धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देती हैं। अब कौन सा धर्म? अब देखिए, ईमानदारी का जो धर्म था, जो न्याय का धर्म था, उन्होंने मुंशी बंसीधर ने नहीं छोड़ा। तो इसीलिए अब उनकी धर्मपरायणता की जो बात है वो हो रही है कि अपने धर्म के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए उन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया। अब अर्पण कैसे कर दिया? पंडित अलोपी दीन ने उनको 40,000 रुपये देने की पेशकश की थी, है ना, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बाद में इनको जो है अपने धर्म के कारण से अपने पद से जो है हटना पड़ा था, हटा दिया गया था। पंडित अलोपी दीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। अब बंसीधर से बातचीत कर रहे हैं वो कि आप इसे खुशामद नहीं समझिए मेरी, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं आपकी खुशामद करना चाहता ना तो मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं स्वयं आता। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। अब देखिए, पंडित द्रौपदी दीन जो हैं अत्यंत प्रभावित हुए हैं मुंशी बंसीधर की ईमानदारी से। कहते हैं कि मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, और अगर खुशामद करनी ही होती तो मैं इतने कष्ट नहीं उठाता, यहाँ तक नहीं आता। और उस रात तो आपने अपने अधिकार के बल पर मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन मैं आज स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। अब देखिए, जो पंडित अलोपी दीन है वह भी मुंशी बंसीधर की जो ईमानदारी है उससे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। तो उसी बात को वे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के अंदर न जाने कितने ही रईसों को देखा है, अमीरों को देखा है, हज़ारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, लेकिन परास्त केवल आपने ही मुझे किया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ भी न करूँ। अब देखिए, इतना धनाढ्य जो व्यक्ति है वो आज्ञा मांग रहा है कुछ विनय करने के लिए, कुछ कहने के लिए। वो कहते हैं कि मैं विनय करूं। बंसीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आई है। अब देखिए, उनके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मुझे हो सकता है कि पंडित अलोपी दीन जो है वो लज्जित करने के लिए, जलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वर्ण उन्हें अपने पिता की यह कठोर सुहाती की बात सहृदय ऐसी प्रतीत हुई। अब देखिए, जो पिता द्वारा उनको बातें कही गई थी वे भी असहनीय हो रही थी उनको, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जैसे ही पंडित अलोपी दीन की बातों को सुना तो उनकी जो मन की मैल थी, जो ग्लानी थी बंसीधर के मन में, वो मिट गई है। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, इनकी नज़रें झुकी हुई थी बंसीधर की, शर्मा रहे थे, और थोड़ा सा ऐसे पलकों को ऊपर उठाते हुए उड़ती हुई नज़र में देखा, सद्भाव झलक रहा था, गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। पहले तो गर्व घमंड में थे कि ये मेरे को परास्त करने के लिए आए हैं, लज्जित करने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। अब देखिए किस प्रकार से बंसीधर कह रहे हैं कि उस समय बात अलग थी, लेकिन अब बात अलग है। उस समय मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जो मुझे दायित्व दिया गया था मैं उस दायित्व के वशीभूत था। जो धर्म मुझे पालन करना था मैंने उस धर्म का पालन किया, नहीं तो मैं आपका दास ही हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, यानी कि जो भी आप मुझे कहेंगे वो स्वीकार्य होगा। अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अब अलोपी दीन जो विनती कर रहा है, विनम्रता पूर्वक कह रहा है कि नदी के किनारे तो आपने मेरी बात को नहीं माना, लेकिन अब जो है वो आज आपको मेरी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। अब पंडित जो मुंशी बंसीधर वो सोच रहे हैं कि न जाने ऐसी कौन सी बात है जो मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। एक प्रकार का हर तरफ जो संशय बन जाता है, बूढ़े मुंशी जी के मन में भी ऐसा संशय होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या संशय है, क्या बात कहना चाहते हैं पंडित अलोपी दीन। तो बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अब बंसीधर कहते हैं कि मैं किस योग्य हूँ जो आपकी सेवा में कुछ कर सकूँ, लेकिन अगर मुझसे आपको ऐसी आशा है कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँ, या कुछ सेवा मुझसे हो सकती है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए।
अब ये भी एक संदेहास्पद है कि स्टाम्प पे क्या लिखा होगा, है ना। बंसीधर के सामने वो स्टाम्प रख दिया, जिस पे स्टाम्प लगा वो पत्र था वो रख दिया है, और वो कह रहे हैं कि आप अपने हस्ताक्षर कर दो। तो मन में तो एक संशय बना हुआ है बंसीधर के कि क्या होगा इसमें, और बूढ़े मुंशी के मन में भी, और घर वालों के मन में, सभी के मन में, न जाने ऐसी कौन सी ऐसी और जो कठिन जो है परीक्षा अब होने वाली है। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं इसमें पंडित अलोपीदीन। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से नहीं हटूँगा, कि जब तक आप मेरे इस सवाल को पूरा नहीं कर देंगे मैं द्वार से नहीं हटूँगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आई। अब देखिए पहले तो ऐसा लग रहा था न जाने किस प्रकार का होगा, अब कहीं कोई और कानूनी कार्रवाई तो नहीं करने वाले पंडित अलोपीदीन, है ना। तो तरह तरह के मन में विचार आ रहे थे, लेकिन जब मुंशी बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आई। अब कृतज्ञता का भाव उस उनके मन में आ गया बंसीधर के। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। अब देखिए कितनी बड़ी जायदाद थी उनकी, तो उसका स्थायी मैनेजर बना दिया कि तुम्हारे अलावा और कोई मैनेजर नहीं होगा, जीवन भर तक तुम ही मैनेजर रहोगे। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। अब देखिए किस प्रकार से ईमानदारी का जो फल है मिला, लेकिन चाहे देर से ही मिला हो लेकिन बहुत अच्छा परिणाम मिला मुंशी बंसीधर को पंडित अलोपीदीन के द्वारा। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अब देखिए अभी भी जो बंसीधर है ना वो कह रहे कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अब देखिए पंडित अलोपीदीन का मन उनके ऊपर कितना अधिकार चुका है बंसीधर की ईमानदारी को देखकर। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, मुझे कोई योग्य व्यक्ति नहीं चाहिए। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि है, न बुद्धि न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अब देखिए वो कहते हैं कि मैं तो एक छोटा सा हूँ, है ना, आपका दास हूँ, मेरे में इतनी कीर्ति कहाँ है जो आप जैसे सज्जन पुरुष की सेवा के को अपने सौभाग्य की बात मान लूँ मैं, लेकिन मुझ में इतनी विद्या नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं कि आपकी जो कमियां हैं जो त्रुटियां उनको दूर कर सकूं। तो ऐसे महान कार्य के लिए तो किसी मर्मज्ञ है जो अच्छा अनुभवी है उसकी आवश्यकता है। तो अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, मैं मुझे विद्यता की चाह है न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब देखिए कि कार्य जो है ना जो करनी होती है वह स्वयं ही अपने आप ही बता देती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, न्याय का मार्ग जो है उसे अपनाना चाहिए। न्याय के मार्ग में कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं लेकिन उसका परिणाम जो है काफ़ी सुखद रहता है, वह ही इसमें लेखक बताना चाहते हैं। अब देखिए अलोपीदीन जो है जिसने सभी को अपना दास बना रखा था, अब एक जो दास के समान एक विनम्रतापूर्ण जो है उनसे निवेदन कर रहे हैं बंसीधर से कि आप ही मेरे जो जितनी जायदाद है जो संपत्ति है उसके स्थायी मैनेजर होंगे। वो कहता है कि बंसीधर कह रहे हैं कि मुझे मेरे पास में तो ना बुद्धि है ना स्वभाव है ना विद्या, कुछ भी नहीं, मैं तो एक अनुभवहीन व्यक्ति हूँ। वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ चलेगा लेकिन मैंने जो गुण है जो मुझे जो गुण चाहिए थे वो मैंने उन गुणों का परिचय तुम्हारे अंदर पा लिया है। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्यता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब देखिए एक मोती के समान उभर कर जो बंसीधर है वो अलोपीदीन के पास सामने आए हैं, अर्थात हर प्रकार से निर्विकार भाव से ईमानदारी का परिचय जो है इसके माध्यम से दिया है। यह कलम लीजिए, अनेक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। अब इसमें अलोपीदीन भी चाहता है कि आप उसी तरीके के उदंड जो है कठोर बेमुरब्बत यानी कि किसी किसी के भी बहकावे में या किसी के भी आप जो है
कारण से अपने निर्णय को नहीं बदलने वाले ऐसे धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहे जैसे कि उस समय थे आप नदी के किनारे वाले। तो इस प्रकार से हमारा जो ये अध्याय है जिसको हमने पढ़ा है, तो हर प्रकार से जो अलोपी दिन जो पहले उनके द्वारा किए गए व्यवहार से काफ़ी क्षुब्ध था, लेकिन बाद में वो उसी उन्हीं गुणों के कारण से वह उनकी ओर आकर्षित होता है मुंशी बंसीधर की ओर, और वह जो है उसे अपने संपत्ति का स्थायी मैनेजर भी नियुक्त कर लेता है और हर प्रकार से अनुनय विनय करता है कि आप उसी प्रकार से धर्मिष्ठ दरोगा बने रहें जैसे आप पहले थे। तो ऐसा सुनकर बंसीधर की आंखें डबडबाई, अब डबडबाना मतलब उनकी आंखों में से आंसू बहने लग गए हैं। अब ये कृतज्ञता के आंसू कह सकते हैं, प्रेम के आंसू कह सकते हैं, श्रद्धा के आंसू कह सकते हैं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। अब क्योंकि हृदय संकुचित पात्र है तो इतना बड़ा एहसान कैसे समा सकता था। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए, एक बार फिर पंडित जी की ओर देखा श्रद्धा और भक्ति और श्रद्धा से कि देखिए मैंने तो कितना इनका अपमान किया था, लेकिन इन्होंने मेरे प्रति कितनी कृतज्ञता रखी है जो मुझे अपने यहाँ पे स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है। तो डबडबाई हुई आंखों से, कांपते हुए हाथों से जो मैनेजरी का कागज़ जो पंडित अलोपी दीन लेके आए थे स्टाम्प लगा हुआ, उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अब अलोपी दीन जो है अत्यंत आनंदित हो जाते हैं कि उन्हें एक सच्चा और ईमानदार जो है व्यक्ति मिल गया है उनकी संपत्ति को संभालने वाला। तो वे उन्हें यानी कि बंसीधर को गले लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, नमक का दरोगा के माध्यम से लेखक ने एक ईमानदार व्यक्ति की जो कर्तव्य निष्ठा है उसका परिचय दिया है, और इसके माध्यम से ईमानदारीपूर्ण जो जीवन है वो यापित करने की प्रेरणा इसमें दी है कि चाहे कितना ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं किया जाए, लेकिन अंत में जो विजय है वो न्याय की होती है, ईमानदारी की होती है, और धन के ऊपर धर्म की विजय होती है और धर्म के आगे धन भी झुक जाता है। तो ऐसा ही भाव इसमें नमक का दरोगा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। और अंत में जो पंडित अलोपी दीन जो धन से हर प्रकार से परिपूर्ण थे, तो जिनके सामने हर कोई नतमस्तक हो रहा था, वही आज पंडित अलोपी दीन जो हैं बंसीधर के पास आते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। तो ये था हमारा जो अध्याय पहला, नमक का दारोगा, प्रेमचंद द्वारा रचित। तो हमने इसका अध्ययन किया है, तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे जो है इसके अभ्यास प्रश्न वगैरह वो भी आपको करने हैं, तो समझते हुए आप करें, स्वयं आप इनका उत्तर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कहानी जो है अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है, हर प्रकार से नैतिकता की सीख देने वाली है, और जीवन में हम भी इसी नैतिकता को अपनाएं, यही आपसे आशा है। धन्यवाद।